नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। नीतीश कुमार के 15 साल लगभग शासन काल का पूरा होने को है और 48 घंटे के बारिश में नीतीश कुमार के सारे कार्यों का पिटारा खुल चुका है। 48 घंटे से लगभग बारिश बिहार के प्रायः जिला में हो रही है और नीतीश कुमार के शासन काल में जो नगर निगम नगर परिषद का जो प्रारूप इनके द्वारा तैयार किया गया और करोड़ों करोड़ रुपया बिहार सरकार ने नगर निगम और नगर परिषद को आवंटित किया और सड़कें और नालियों को बनाया गया, मगर आज यही स्थिति पूरे बिहार में है। राजधानी पटना की ये स्थिति है कि राजधानी पटना के हर इलाके में बारिश का पानी इस कदर जम चुका है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी के अंगना में भी पानी भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं और जब राजधानी में पानी है और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर घुटना भर पानी है, ICU में घुटना भर पानी है, पानी ही नहीं उस अस्पताल परिसर के मरीजों के बेड के नीचे पानी में मछली तक तैरती नजर आ रही है, मरीज मछली पकड़ रहे हैं, ICU में घुटना भर पानी है जिसके कारण ICU को शिफ्ट किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी बारिश में उस अस्पताल के अंदर में 14 दिन तक बारिश होने के बाद पानी जम चुकी थी, मगर एक साल बीत जाने के बाद भी नीतीश कुमार ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया जिससे इस साल पानी नहीं जाए। इस साल भी पानी गई, मछलियां तैर रही है, मरीज बेड पर है, नीचे पानी है, मरीज का इलाज उसी स्थिति में डॉक्टर कर रहे हैं और अस्पताल की स्थिति बद से बदतर पानी घुसने से हो चुकी है। चाहे कंकड़बाग हो, चाहे पटना के निचले इलाके हो, चाहे पटना की सड़कों की स्थिति हो, गंदगी भर चुकी है, नाली जाम, नाली का कादो और जंगल और पॉलिथीन और कूड़ा सड़कों पर, सड़कों के किनारे, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में नगर निगम और नगर परिषद को जो रुपया आवंटित करके दी जाती थी विकास के नाम पर, आखिर उस पैसा का हुआ क्या? किसी भी जिले में नगर निगम के द्वारा कोई भी सही कार्य नहीं किया गया। हर जिले के सड़कों पर पानी और कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, नालियां भरी पड़ी है, पानी नदियों तक नहीं जाती है या ड्रेन तक। यह नीतीश कुमार जी के शासन काल का नमूना है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने के कारण बच्चे और लोग मर रहे हैं नीतीश कुमार जी के शासन काल में। कानून व्यवस्था का तंज कसने वाले नीतीश कुमार जी के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। अपराधियों को सरकार का डर नहीं, अपराधी निरंतर अपराध कर रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। शराब बिक्री खुलेआम की जाती है, डरने की बात नहीं है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज विधानसभा में राजद के विधायकों ने सरकार का घेराव किया और सरकार से मांग किया कि आप जवाब दो। पिछले साल जब नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पानी घुसी तो आपने क्या सीखा? क्यों नहीं उचित व्यवस्था किया? स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराती हुई हालत पर जब प्रश्न पूछा गया तो हंसते नजर आए स्वास्थ्य मंत्री
और शिक्षा के गिरते हुए स्तर की जब बात करी गई तो शिक्षा मंत्री को कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस बात का चर्चा MLC भाजपा के नवल किशोर यादव कर चुके हैं कि शिक्षा मंत्री को किसी भी प्रकार के शिक्षा संबंधी कोई ज्ञान नहीं है। ये स्थिति बिहार के सरकार की है। नगर निगम, नगर परिषद में करोड़ों का आवंटन किया जाता है, नगर विकास विभाग का अंकुश नहीं है और नगर निगम नगर परिषद कहीं कोई कार्य नहीं करती। आखिर क्यों, क्या हो रहा है बिहार के अंदर? केवल जुबान से कहा जाता है कि विकास हो रहा, केवल जुबान से कहा जाता है कि अपराध नहीं हो रहा, केवल जुबान से कहा जा रहा है कि सड़कों पर जाल बिछा दी गई है, केवल जुबान से कहा जाता है कि नालियों का जाल बिछा दी गई है, केवल जुबान से कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, केवल जुबान से कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम है। क्या है इस बिहार में, क्या हो रहा है बिहार में? क्यों हम सब अपने आंख को बंद कर झूठी बातों पर विश्वास करते हैं? विरोधी पार्टियों के लाख विरोध करने के बावजूद यह निरंकुश शासन का आंख नहीं खुलता। शिक्षक आंदोलन करते हैं तो लाठियों से पिटवाया जाता है, विद्यार्थी आंदोलन करते हैं तो लाठियों से पिटवाया जाता है, TET पास अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। आप मेरे आवाज को दबाना चाहते हो, मैं आवाज न उठाऊं, ऐसा नीति और सिद्धांत सरकार की है। ऊपर से नीचे तक नीतीश कुमार जी की पकड़ ढीली हो चुकी है। नीतीश कुमार जी का शासन काल सूत्रों के हवाले से मैं बता रहा हूं कि घपलों की सरकार है, माफिया की सरकार है, लूट की सरकार है, अपराधियों का सरकार है, अफसर शाही करने वाले अफसरों की सरकार है, नेताओं की चांदी कट रही है, बिहार के लोगों की बदहाली का जिम्मेदार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, ऐसा आरोप विपक्षी गण लगाते हैं। लापरवाही के कारण बच्चे मर रहे हैं, लापरवाही के कारण आदमी की मौत हो रही है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। 2 दिन के बारिश में पूरा बिहार से लेकर पूरे बिहार के अंदर में पटना राजधानी से लेकर अन्य जिला की स्थिति बद से बदतर है। लोगों के घर से निकलना मुश्किल है, सड़कों पर कूड़ा और गंदगी का अंबार भर चुका है, लोगों के बीच में त्राहिमाम स्थिति है। कुछ ही दिन के बाद महामारी फैलने की प्रबल आशंका है। यह नीतीश कुमार का बिहार सुंदर सुसज्जित और शांत प्रिय बिहार है, जहां इन सारी बातों की कमी होने के बाद भी हम सब नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष का उपाधि देकर नीतीश कुमार जी को हम लोग सही मानते हैं। नीतीश कुमार से अच्छा बिहार का कोई मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार से अच्छा चरित्रवान बिहार में कोई न मुख्यमंत्री पैदा लिया, न आगे कोई मुख्यमंत्री पैदा लेगा। इनके शासन काल का अमन चैन शांति जितना है कि न पहले किसी सरकार के शासन काल में था, न आगे कभी होगा। इनके शासन में घपलाबाजों की जो घपला का पोल खुलनी है वह नहीं खुली, लेकिन हम और आप अमीर हुए, यह उपलब्धि है नीतीश सरकार की। अपराधियों की चांदी है, यह उपलब्धि है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो जरूर लिखें, साथ ही साथ लाल बटन बेल दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो सबसे पहले मिले और आप मुझे इसी तरह प्रेम प्यार देते रहे। धन्यवाद।